वक्त हमारे साथ स्पेशल कमिश्नर हैं कोर्ट कमीशन के विशाल सिंह, जो आज अपनी रिपोर्ट सबमिट करने जा रहे हैं। सर, कितने बजे का वक्त होगा जब आपने? 12 बजे से 2 बजे के बीच में फाइल किया जाएगा। दरअसल कितने पन्नों की रिपोर्ट है बताया जाए? 70 पन्नों। कॉन्फिडेंशियल है, ये बता नहीं सकते। कौन कौन से दिनों की आप करने वाले हैं? 14, 15, 16 अंदर की जितनी कार्रवाई कमीशन की हुई अंदर की हम लोग देंगे। और जो 6 और 7 को जो बाहर का इलाका हुआ था उसकी रिपोर्ट का? क्योंकि कल हमने मीडिया में कह दिया था, आप लोगों के सामने कह दिया था, 6 और 7 की स्थिति एकदम क्लियर कर दी थी। 6 और 7 की रिपोर्ट अजय मिश्रा करेंगे, उसके बाद 14, 15, 16 की जो अंदर की कार्रवाई कमीशन की उसकी रिपोर्ट मैं दूंगा। अजय मिश्रा ने ऑलरेडी अपनी रिपोर्ट को सबमिट कर दिया है, 2 पन्नों की। जी जी जी। आपने देखी है वो रिपोर्ट? देखी नहीं। उसमें बाहर का पूरा बताया गया है कि किस तरीके से हिंदू मंदिर होने के साक्ष्य मिले हैं, प्रमाण मिले हैं उसके अंदर, जो जो उन्होंने देखा है अपनी कमीशन की रिपोर्ट में दिखलाया है। और सर, ये जो आरोप लगाए गए हैं अजय मिश्रा के, आपने जाहिर तौर पर सुने होंगे, आपके ऊपर सीधे तौर पर आरोप लगाया गया है कि कमीशन से उनको हटाने के लिए आपका दबाव था, आपने कहा था, किस तरह से देखेंगे इन आरोपों को आप? ये बिल्कुल बेबुनियाद है और गलत है। आप लोग चौथा पिलर माने जाते हैं, जो सच्चाई है उसको लिखिए। मैंने जो एप्लीकेशन दी थी स्थिति स्पष्ट करने के लिए दी थी, न कि किसी को हटाने के लिए दी थी। अजय प्रताप सिंह को भी मैंने कहा था सहयोग रुचि नहीं लेना, स्थिति स्पष्ट कर दे, तो कोर्ट के ऊपर मैंने दिया। लेकिन दौरान बहस प्रतिवादी संख्या 4 जो इंतजामिया कमेटी के लोग हैं, वकील हैं, उन लोगों ने ये चीज़ें उठाई कि ये प्राइवेट वगैरह बाइट वगैरह दे रहे हैं, प्राइवेट व्यक्ति को लेकर कमीशन में चले आए। तो इसके इस आधार पर दोनों पक्षों की उपस्थिति में माननीय न्यायालय ने आदेश पारित किया, उन दोनों पक्षों को सुनने के बाद, और वहाँ मौजूद थे सभी पक्षकार। सर, एक सवाल यहाँ से बनता है, आपने कभी मुझसे एक बात कही, वो सहयोग नहीं कर रहे थे अजय मिश्रा, किस तरह का सहयोग? सहयोग की बात मैंने नहीं की थी, उस समय मैंने कहा था सहयोग और रुचि पूरी तरह से नहीं हो रही है। देखिएगा एप्लीकेशन, देखिएगा अब चूंकि सब चीज नॉर्मल हो गया है, और 6 और 7 की उन्होंने कर दी है रिपोर्ट फाइल, आज मैं कर दूंगा, कमीशन की कार्रवाई हम लोग की अभी समाप्त हो जाएगी। मैं आपसे वही कह रहा हूँ, मैं आपसे रिपोर्ट में क्या आपने लिखा है वो कॉन्फिडेंशियल है, गोपनीयता है, वो अदालत का, हम उसका सम्मान करेंगे। मैं लेकिन कमीशन में चूंकि आप लोग तीनों मिलके काम कर रहे थे, आप लोगों को मिलकर इस रिपोर्ट को सबमिट करना था, किस तरह का सहयोग आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि क्या होना चाहिए था? जैसे जो टीम में लोग हैं वो गोपनीय चीजें, जो चीज देखी गई हैं वो लीक ना करें, कोई बताए ना, ये सब चीज़ें हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। और कमिश्नर लोगों ने पूरा सहयोग किया, लेकिन कुछ लोग जो साथ में थे उन लोगों की असहयोग किया गया, जिसके द्वारा ये एप्लीकेशन दी गई। और कमिश्नर के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, और यह जो कमीशन कार्रवाई है एकदम निष्पक्ष और एकदम बिना भेदभाव के हम लोग फाइल कर रहे हैं। पूरा सहयोग मिला आपको, सहयोग पुलिस को लेकर, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि दूसरे दिन शायद कुछ दिक्कत आ रही थी? पूरा प्रशासन का और पुलिस का सहयोग मिला, एकदम शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग की कमीशन की कार्रवाई पूरी की गई है। प्रतिवादी नंबर 4 जिसको बात हो रही है, मुस्लिम पक्ष की बात हो रही है, उनका बिहेव क्या रहा इन 3 दिनों में? मैं 3 दिनों की बात, बहुत बढ़िया रहा, बड़े अच्छे माहौल में हम लोगों ने काम किया। चूंकि बनारस गंगा जमुनी तहजीब का शहर है, तो उसी वो एकदम वहाँ कमीशन के दौरान देखने को मिला कि एकदम अच्छे माहौल में वहाँ कार्य किया गया। आज जब आप रिपोर्ट सबमिट कर देंगे तो ये कमीशन खत्म हो जाएगा। जब कमीशन बना और कमीशन खत्म होने के बीच का जो फासला है, इसको किस तरह से देखेंगे? पहली बार जहन आया कि कमीशन बन रहा है और आपको ये कार्रवाई करनी है, जाहिर तौर पर आप इतिहास का हिस्सा रहेंगे, इस केस का जब भी नाम होगा सर्वे को बताया जाएगा, किस तरह से आप देखेंगे इन 3 दिनों को? जी, काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा, काफ़ी लंबा परिसर था, कई चीज़ें बताई गई वादी और प्रतिवादी पक्ष द्वारा, और दोनों पक्षों को शांति व्यवस्था भी रखनी थी, शांतिप्रिय तरीके से करना था, तो बड़े ही ध्यानपूर्वक अपनी हम लोगों ने रिपोर्ट बनाई है और सब चीज़ें उस रिपोर्ट में आ गई हैं। आप उस रिपोर्ट को देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद, शुक्रिया मुझसे बात करने का। विशाल सिंह थे, कमिश्नर हैं। आज कमीशन खत्म हो जाएगा, जैसे ही ये पूरा का पूरा रिपोर्ट को आज सबमिट कर दिया जाएगा। 3 दिन की रिपोर्ट है, 14, 15, 16 आज इसको सबमिट कर दिया जाएगा और इसी के साथ कमीशन खत्म हो जाएगा। लेकिन जाहिर तौर पर इसके साथ कई ऐसी बातें भी हैं जो लगातार उठ रही हैं, जो विवादों में बनी हुई हैं। जी, बिल्कुल। तो देखिए, साफ तौर पर हमारे सहयोगी अंकुर त्यागी ने इस वक्त बात की है कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह से। विशाल सिंह ज़्यादा कुछ जानकारी बाहर नहीं देते हुए नजर आए, क्योंकि देखिए कोर्ट का ये आदेश है और कोर्ट की बातों को मानना होगा। लेकिन अंकुर, सीधा सवाल आपसे, जो बातचीत वो कह रहे हैं, क्या लग रहा है आपको 12 बजे कोर्ट में जब ये रिपोर्ट सबमिट की जाएगी क्या कुछ निकल कर आएगा?
देखिए तकरीबन 12 से 12:30 बजे का वक्त होगा, हम पहले दिन से लगातार ये वाली बात कहते आ रहे हैं, जब ये वक्त होगा जब कोर्ट कमीशन जो है वो अब कोर्ट में जाकर अपनी रिपोर्ट को सबमिट करेगा। और जैसा कि पूरा कॉम्प्रहेंसिव रिपोर्ट है, ये पूरी की पूरी अंदाजा लगाया जा रहा है 70 पन्नों की रिपोर्ट है। ऑलरेडी 6 और 7 को जो सर्वे हुआ था, बाहरी हिस्से का जो हिस्से का सर्वे हुआ था, अजय मिश्रा ने वो रिपोर्ट ऑलरेडी सबमिट कर दी है। अब जो रिपोर्ट सबमिट होने वाली है वो 14, 15 और 16 ये 3 तारीख को जो सर्वे हुआ है उसकी रिपोर्ट है। हालांकि फिलहाल आज रिपोर्ट सबमिट होते ही कमीशन यहाँ से खत्म हो जाएगा, उसका कार्यकाल जो बनाया गया था उसको पूरी तरह काम पूरा होने के बाद वो यहाँ से खत्म हो जाएगा। लेकिन यकीनन तौर पर ये बहुत अहम डॉक्यूमेंट होगा इस केस की आगे की सुनवाइयों के लिए, क्योंकि तमाम वीडियोग्राफी, तमाम सबूत, तमाम तरह के फोटोग्राफ्स इसके अंदर शामिल होंगे, उन चीज़ों का वर्णन उस पूरी रिपोर्ट पे लिखा होगा, 3 दिनों का पूरा सिलसिलेवार तरीके से बताया गया होगा कि किस तरीके से कहां कहां कौन कौन सी चीज़ देखी गई, कौन कौन चीज़ ऐसी थी जो मंदिर होने की इस थ्योरी को सत्यापित करती हैं, प्रमाणित करती हैं। तो जाहिर तौर पर ये बहुत अहम दिन है ज्ञानव्यापी के इस पूरे के पूरे विवाद को लेकर, जो अपने आप में आज कोर्ट में इस रिपोर्ट को पेश कर दिया जाएगा। अंकुर, एक तरफ हिंदू पक्ष का दावा शिवलिंग है, एक तरफ मुस्लिम पक्ष का दावा कि वो शिवलिंग नहीं फव्वारा है, एक तरफ कोर्ट है और एक तरफ जो आम जनता बनारस की वो है। कोर्ट में क्या होगा उस पर तो नजर हमारी बनी हुई है, लेकिन लगातार आप मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष के लोगों से बात कर रहे हैं, क्या कुछ कहते हैं ये लोग? देखिए हिंदू पक्ष लगातार इस बात को कहता रहा है, जब 3रा दिन हुआ था 17 तारीख को, जैसे ही लोग बाहर आते हैं, सोहन लाल आ रहे हैं जो 1991 से इस पूरा का पूरे मैटर को आगे लेके जा रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पे आके कहा था बाबा मिल गए, उसके बाद ये बात बहुत ज़्यादा वायरल भी हुई थी। और लगातार हिंदू पक्ष से जुड़े हुए जो लोग हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि वहाँ एक एक सबूत जो मिला है वो ये बात सत्यापित करता था कि जितने भी मंदिर प्रांगण का हिस्सा है उसको तोड़कर ही मस्जिद बनाई गई, ऐसा दावा हिंदू पक्ष लगातार करता रहा। कई सारी बातें हमें बताई गई, मगरमच्छ बताया गया, एक मगरमच्छ की मूर्ति मिली है, जो मगरमच्छ माना ही जाता है गंगा का वाहन है, गंगा जो काशी में बहती है, जो भगवान शिव के सर पर विराजमान होती है, उसको कहीं ना कहीं जोड़ के देखने की कोशिश की गई। स्वास्तिक के चिन्ह वहाँ मिले हैं, इसके अलावा कमल के फूल मिले हैं और संस्कृत के श्लोक मिले हैं। ये तमाम दावे जो हैं हिंदू पक्ष ने अपनी तरफ से करे हैं। और जो सबसे बड़ा दावा था वो उस शिवलिंग को लेकर था जो उस वुजू करने के जगह पर बीचों बीच बनाया गया था। हालांकि मुस्लिम पक्ष का अपना दावा है, मुस्लिम पक्ष का कहना था कि कोई भी इस आकृति का, जो आकृति दिखाई दे रही है उस आकृति का तो कम से कम कोई शिवलिंग आज तक होता नहीं है, देखा नहीं गया है, ये फव्वारा है। आपको अक्सर मस्जिदों के अंदर इस अंकुर, आपने, आपने तो पिटिशनर महिलाओं से भी बात की और कल भी हमने देखा कि वो गाना गा रही थी, वो झूम रही थी, वो जश्न मना रही हैं जब से ये दावा किया गया है, क्योंकि देखिए महिलाओं को तो भीतर जाने की अनुमति नहीं थी, जो वीडियोग्राफी बाहर आई है वो उन महिलाओं को दिखाया गया और उसके बाद से ही वो लगातार ये कह रही हैं कि हमें बाबा दिखे हैं, बाबा मिल गए हैं। कल भी ये महिलाएं झूम रही थी और गाना गा रही थी और अपनी जो भी भावनाएं हैं वो व्यक्त कर रही थी, क्या आज इन महिलाओं से आपकी कोई बातचीत हो पाई है, क्या कहती हैं ये महिलाएं? देखिए आज अदालती वक्त में सबके सब बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं, सोहन लाल आ रहे हैं जो इस मामले में मुख्य पिटिशनर हैं, उनकी धर्मपत्नी भी हैं जो उन 5 याचिकाकर्ता जो महिला हैं उनमें से एक हैं, उनसे हमारी बात ज़रूर हुई है। तकरीबन 2 बजे का वक्त होगा जब ये दोनों अदालत जाएंगे और इस पूरी कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा बनेंगे। एक महिला जो हैं वो दिल्ली में रहती हैं, बाकी की 3 और महिलाएं तकरीबन 12 बजे से 2 बजे के वक्त में आज अदालत पहुंच जाएंगी। अहम दिन होगा, 4 मुख्य याचिकाएं हैं आज, उनमें से खुद ये जो महिला याचिका करता है चारों की चारों, इन्होंने भी एक याचिका डाली थी कि जो वजू करने की जमीन की जगह है उसकी नीचे की जमीन है कि जो दीवार है जो उनको लगता है कि आर्टिफिशियल दीवार है उसको तोड़ा जाए, तोड़ा जाएगा तो नीचे तहखाना मिलेगा, उसके अंदर कई सारा ऐसा मलबा है जो इस बात को सत्यापित करता है, प्रमाणित करता है कि वहाँ पर हिंदू मंदिर था। उनको लगता है हिंदू पक्ष को या याचिकाकर्ताओं को कि वहाँ पर कई सारे ऐसे शिलालेख हैं, कई सारे स्तंभ हैं, मंदिर से जुड़ी हुई कई सारी चीज़ें हो सकती हैं जो उनकी बात को प्रमाणित करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए उन्होंने ये पिटिशन अदालत में डाली है कि वजू करने की जो जगह है उसकी नीचे की जो वॉल है, दीवार है, उसको तोड़ा जाए। अंकुर, लौटेंगे आपके पास, लेकिन जरा बनारस की गलियां हम दिखा दें अपने दर्शकों को कि यहां पर क्या हो रहा है आज। यहां पर लोगों में भी हम कहें तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर चर्चा जरूर है कि जो रिपोर्ट की कॉपी है वो सबमिट की जाएगी और ऐसे में क्या कुछ होगा ये जानने की कोशिश करते हैं। ये बताइए, सर्वे चल रहा था लगातार, आज रिपोर्ट तैयार है, कोर्ट में सबमिट किया जाएगा, क्या लग रहा है आप लोगों को रिपोर्ट में क्या होगा? अभी तो आने के बाद ही पता चलेगा ना, इंतजार कर रहे हैं आप लोग? जी बिल्कुल। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप, अवेलेबल ऑन Google Play एंड App Store, डाउनलोड इट नाउ।